जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के पास आते देखा और डर गए। डरो नहीं, मैं हूं। फिर वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर कोई और नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबीरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है और न उसके चेले तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए